अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब्दुल्ला फूड एंड फन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब मज़े मज़े के डिशेज आज बना रहे होंगे। मैं भी पिशावरी नमकीन गोश्त बनाने लगी थी तो दिल चाहा आपके साथ अपनी रेसिपी को शेयर किया जाए। ये बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत कोई मसाला जात नहीं डलते, सिंपल से इसके मसाले हैं जो इसमें डलते हैं। ये हम चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। मैं मटन से बना रही हूँ। ये तकरीबन हाफ के जी मटन है और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। कुछ मैं स्टार्ट में यूज़ करूँगी और बाकी गार्निशिंग में। 15 जवे हैं लहसुन के, काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, हल्की ऑयल हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। ये भी जो कम खाता हो वो कम यूज़ करेगा, जो ज़्यादा इस्तेमाल करता हो वो ज़्यादा डाल सकता है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं ये ज़रा बड़े साइज़ की, ये हम बाद में एंड पे यूज़ करेंगे इसको। 2 टमाटर हैं जिसे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने इन्हें लंबा लंबा काटा है। नमक हम 1/2 चाय का चम्मच यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। हरा धनिया हम गार्निशिंग में यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। तकरीबन 4 से 5 ऑयल मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैं लहसुन को क्रश करने लगी हूँ और वो साथ साथ इसमें डालने लगी हूँ गर्म ऑयल में। अब हम इसी तरह अदरक को क्रश करेंगे और इसमें डाल देंगे। हल्का सा लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें मटन डालेंगे और उसको भी भूनेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि हमारा गोश्त अपना कलर चेंज कर दे। ये हमने गोश्त को भून लिया, थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया, इसमें कुछ ना कुछ पानी भी छोड़ा है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, थोड़ा सा मैं इसमें साबुत अदरक डाल रही हूँ, साथ ही मैं कुछ इसमें टमाटर ऐड करूँगी, नमक, काली मिर्च आधी हम अब डाल लेंगे और आधी हम एंड पे डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से एक दफ़ा चला देंगे। कुछ पानी तो हमारे टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और हमारा गोश्त पानी ये छोड़ चुका है। कुछ पानी हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। मैं तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि हमारा गोश्त उसमें अच्छे से गल जाए। अब मैं इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर रही हूँ, जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे फिर मैं इसको ढककर गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसमें बॉयल आ चुका है, हम एक दफ़ा चम्मच को हिलाएंगे और चूल्हे को ज़रा धीमा करेंगे और हम इसको ढककर तकरीबन 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। 1/2 घंटे के बाद आते हैं। हमारा गोश्त अब अच्छे से गल चुका है, ये देखें हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि ये गोश्त अच्छे से गल गया है। इसका पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। ये हल्की हल्की सी ग्रेवी मैंने खुद रखी है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे ताकि इसका टेस्ट कुछ बढ़ जाए। हरा धनिया डालेंगे, हाफ और हाफ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और इसको 1 मिनट की स्टीम देने के बाद हम इसको बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद मैं फिर इसका आखिरी व्यू आपको दिखाती हूँ। बस इसको हल्का हल्का हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अब ये खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। हम इसे रोटी, नान या जिस चीज़ के साथ खाना चाहे खा सकते हैं। ये बगैर रोटी के भी खाया जा सकता है, जायके में बहुत मज़े का होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।